अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ ब्राउनीज़ की रेसिपी शेयर करेंगे। ब्राउनी की रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप अवन को 180 डिग्री पर गर्म होने रख दीजिए, ताकि हम जितनी देर में आमेज़ा तैयार करें उतनी देर में अवन अच्छे से गर्म हो जाए। हमें ब्राउनीज़ के लिए चाहिए शुगर, पिसी हुई चीनी हम इस्तेमाल करेंगे जो कि है 240 ग्राम, अंडे 3 अदद इस्तेमाल होंगे, तेल हम तेल या घी इस्तेमाल करेंगे 108 ग्राम, कोको पाउडर इस्तेमाल होगा 25 ग्राम और मैदा इस्तेमाल होगा 60 ग्राम, बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करेंगे 1/4 चाय का चम्मच। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास है 60 ग्राम मैदा, जिसमें हम 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालकर अच्छे से छान लेंगे। ये हमने मैदा और बेकिंग पाउडर अच्छे से छान लिया है। अब एक बाउल लेते हैं, उसमें हम 3 अदद अंडे डालेंगे और इनको अच्छे से बीट करेंगे। 3 अदद अंडों को आपने बहुत अच्छे से बीट करना है, इतना बीट करना है कि ये थोड़े फ्लफी हो जाएं। क्या आप देख सकते हैं अच्छे से फ्लफी हो गए हैं। अब हम इसमें पिसी हुई चीनी 240 ग्राम इसको शामिल करेंगे और अच्छे से बीट करेंगे। ये हमने चीनी डालकर अच्छे से इसकी बीटिंग कर ली है। अब हम इसमें घी डालेंगे। और इसको अच्छे से हल्का सा बीट कर लेंगे। अब हम इसमें कोको पाउडर, ये मैदा जिसमें हमने बेकिंग पाउडर शामिल किया हुआ था, इसको डाल के पहले हल्का सा इस तरीके से ताकि उड़े नहीं, और फिर इसकी बीटिंग कर लेंगे। ये हमारा ब्राउनीज़ का आमेज़ा तैयार हो चुका है। अब हम इसके लिए पैन लेंगे। पैन आप इस्तेमाल कर सकते हैं 8x8 का या 9x9 का। हमने पैन लिया है 8x8 का। आपने क्या करना है कि इसको घी से अच्छे से ग्रीस कर लेना है, उसके बाद इसमें मैदा छिड़क कर इस तरीके से इसे रेडी कर लेना है। अब इसमें हम आमेज़े को पोर करेंगे। अब हम आमेज़ा आमेज़ा हमने सांचे में डाल दिया है। अब हमने जो अवन हमने 180 डिग्री पर गर्म होने रखा हुआ था, अब इसको रखेंगे 180 डिग्री पर और 25 मिनट के लिए इसको बेक करेंगे। हम इसको अवन में बेक होने के लिए रखते हैं। बेकिंग टाइम के बाद आपको दिखाते हैं कि हमारी ब्राउनी तैयार कैसी हुई। ब्राउनीज़ हमारी तैयार हो चुकी हैं। अब इनकी कटिंग करेंगे और इनको डिश में सेट करेंगे। इस तरीके से हम कटिंग करेंगे। ठंडा होने पे इसकी कटिंग करनी है। ये ब्राउनी रेडी हो चुकी है। इसके पीसेस कर दिए हैं हमने और ये बिल्कुल तैयार है। आप रेसिपी ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि कैसी लगी।